तो अरुणाचल की तरह भारतीय जनता पार्टी सभी जेडीयू के एमएलए को निगल जाएगी और नीतीश कुमार जी पैदल हो जाएंगे। जेडीयू के विधायक अपना भविष्य कहीं और तलाश रहे और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको प्रताड़ित करता है। वो फूलन देवी जी का प्रतिमा लेके गए तो उनको उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर रोक लिया गया। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको लगातार हम बता रहे हैं कि कैसे जो लड़ाई है जदयू भाजपा की वो तूतू मैमे से आगे बढ़ चुकी है। यहां तक कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अब दोनों पार्टियों के बीच में केवल गाली गलौज ही बची हुई है। हालांकि दोनों दल बिहार में मौजूदा सरकार का हिस्सा है और बिहार सरकार लगातार सुचारू ढंग से चल रही है, लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके का वाक युद्ध हो रहा है, जिस तरीके का अदावत कुछ नेताओं के बीच हो गई है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो भाजपा के या प्रवक्ता हो जदयू के या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जदयू के, कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के बीच विभिन्न मुद्दों पर, मतलब एक मुद्दा हो तो कोई बात कही जाए, जातिगत जनगणना हो, यूपी चुनाव को लेकर हो, एमएलसी चुनाव हो या फिर विशेष राज्य का दर्जा हो, सारे मुद्दों पर एक दूसरे पर जबरदस्त दबाव बना हुआ है, जिसकी वजह से भाजपा भी कहीं ना कहीं बैकफुट पर अपने आप को महसूस कर रही थी। लेकिन जब से भाजपा अग्रेसिव हुई है, चाहे संजय जायसवाल के मार्फत से हो या नवल किशोर यादव के माध्यम से हो या मंत्री नीरज बबलू के माध्यम से हो, अब तो खबर आ रही है कि सम्राट चौधरी ने भी ललकार दिया है मुकेश सहनी और जदयू को कि जो चाहे वो बाहर जा सकता है, सरकार बचाना भाजपा का काम है, वो कर लेगी। अगर हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाकर आगे बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसके पीछे हमारा जो लगातार गठबंधन 16 सालों का है वो है और उस गठबंधन का हम पालन कर रहे हैं। लेकिन यही दावा अब विपक्ष के नेता नहीं कर रहे हैं। विपक्ष में जहां राजद ने पहले ही नीतीश कुमार के जो मनोस्थिति है उसको भांपते हुए उन्हें ऑफर दे दिया था, वहीं कांग्रेस ने बड़ा दावा कर दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि अमित शाह अरुणाचल प्रदेश की तरह ही बिहार में जदयू के दर्जन भर विधायकों से ज्यादा अपने काबू में किए हुए हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और उन पर सीधे तौर पर अपना दबाव बनाए हुए हैं। किसी भी वक्त वो नीतीश कुमार अगर चाहे कुछ गड़बड़ करना तो नीतीश कुमार से समर्थन भी खींच लेंगे और साथ साथ उनके विधायकों को भी अपने पाले में कर लेंगे, जैसा कि अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, जैसा कि मध्य प्रदेश और अन्य कई राज्यों में भाजपा अपने सहयोगियों के साथ करती आई है। यानी नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं अब डरने और अपने जो आसपास के विधायक हैं उनको सहेजने की आवश्यकता है, क्योंकि नीतीश कुमार के विधायकों को सीधे तौर पर कांग्रेस ने दावा कर दिया है कि वो अमित शाह के संपर्क में है, बहुत जल्दी उनको तोड़ने की चेष्टा भाजपा कर सकती है। भाजपा लगातार बैकफुट पर थी, इंतजार कर रही थी, जदयू जो भी दावे कर रही थी या जो भी दबाव बना रही थी उस पर भाजपा चुप्पी साधे हुए थी। एक बैग भाजपा इतना अग्रेसिव क्यों हो जाती है, इसके पीछे कहीं ना कहीं अमित शाह की वो रणनीति काम है जिसमें फूट डालो और शासन करो कहीं ना कहीं शामिल है। यानी बड़ी खबर इस वक्त यही है कि कांग्रेस ने दावा कर दिया है कि नीतीश कुमार की पार्टी के विधायक अब सीधे तौर पर अमित शाह के संपर्क में है। नीतीश कुमार अगर कुछ भी दाएं बाएं करते हैं तो उनके विधायकों को तोड़ने की चेष्टा भाजपा कर सकती है। सेंधमारी होने वाली है, जेडीयू में सेंधमारी हम नहीं करने वाले हैं। जेडीयू के एमएलए ही जेडीयू को छोड़ के जाने वाले हैं। अगर बाहर का रास्ता नहीं दिखाया तो अरुणाचल की तरह भारतीय जनता पार्टी सभी जेडीयू के एमएलए को निगल जाएगी और नीतीश कुमार जी पैदल हो जाएंगे। इसलिए जेडीयू के विधायक अपना भविष्य कहीं और तलाश रहा है। बिहार में गठबंधन है लेकिन उत्तर प्रदेश में जब जदयू को साथ नहीं रख रही है और मुकेश सहनी अकेले लड़ रहे हैं तो भाजपा उन पर दबाव बना रही है। देखिए, बड़ा आश्चर्य होता है कि मुकेश सहनी दो चार पांच सीटें मांग रहे होंगे, चाहे जो मांग रहे होंगे, यहाँ वो सरकार में है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको प्रताड़ित करता है। वो फूलन देवी जी का प्रतिमा लेके गए तो उनको उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर रोक लिया गया। जब वो लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरे तो एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दिया गया और आज मुकेश सहनी के हालात इतना ख़राब कर दिया है कि बेचारे डर से, भाजपाई गुंडा के डर से उत्तर प्रदेश के चुनाव का सिंबल वो पटना में बांट रहे हैं। वो चूँकि वहाँ बांटेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का गुंडा सिंबल सिंह का भाग जाएगा उनका, तो इतना सहमे हैं मुकेश सहनी जी भारतीय जनता पार्टी से कि उनके डर से पटना से सिंबल बांट रहे हैं, कह रहे हैं कि पटने से जाके हम प्रचार करेंगे। वो नरेंद्र मोदी हैं कि 2014 के चुनाव वो अहमदाबाद से प्रचार कर लिए, ये बेचारा डर से, भाजपा के डर से बिहार से चुनाव प्रचार करना चाह रहे हैं, तो डर के माहौल में मुकेश सहनी जी कितना दिन रहेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि मुकेश सहनी जी अपने पार्टी के अस्तित्व के लिए, स्वयं के अस्तित्व के लिए और समाज के स्वाभिमान की रक्षा के लिए अति शीघ्र वह NDA छोड़ देंगे। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा,
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।